और नमामि गंगे के तहत जो हमारा ये परियोजना चल रही है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें एक तो हुसैन साहब ने बताया कि वहाँ की जो जैव विविधता है उसके बारे में हमको जानकारी लेनी है, लेकिन अगर हमें वाकई बचाना है, आज तो हम सिर्फ अब रिसर्च के मोड में काम नहीं कर रहे, हमें वहाँ पे धरातल पे जाके काम करना है, तो उसके लिए हमें जो कैसे करेंगे, आप और हम जाकर तो नहीं कर सकते गंगा की सफाई, हम तो एक बार कर लेंगे, सरकार एक बार कर लेगी, लेकिन कैसे होगी जो स्थानीय समुदाय हैं, जो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब उनको अपने साथ मिलाया जाएगा तब जाके हम ये कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। और इसी के तहत हम लोगों को भी ये कार्य दिया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा, और हमने इसमें जो स्थानीय समुदाय थे उनमें से कुछ गंगा प्रहरी बनाए, आप देख सकते हैं हमारे कुछ गंगा प्रहरी आज भी आप लोगों से मिलेंगे, आपने गंगा प्रहरियों के बारे में पढ़ा भी होगा और पहले भी कवरेज करी होगी, तो वो जो है वो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को हमारे साथ जोड़ते हैं, गंगा की स्वच्छता का संदेश देते हैं, गंगा की जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देते हैं, और हमारा ये संदेश है कि एक स्वच्छ गंगा, एक निर्मल गंगा के साथ लोगों की जीविका का भी अच्छे से अपनी चल सकती है। जरूरी नहीं है कि गंगा को पल्यूट करके, गंगा को गंदा करके ही जीविका चलाई जा सकती है, पर स्थानीय समुदायों को जोड़ के एक स्वच्छ गंगा, एक निर्मल गंगा के साथ भी हम अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो ये गंगा प्रहरी भी नेशनल ज्योग्राफिक की टीम के साथ कंधे से कंधा जोड़ के इस प्लास्टिक एक्सपेडिशन में भाग ले रहे हैं।